hello students good morning welcome back to our online class with best english school i hope you all are very well and doing your homework daily so today in fourth class we are going with english subject in english we are learning our unit 4 in this unit we read poem and also wrote word meaning of the poem i hope you i hope you are doing your homework daily so let's come to the topic in today class we are going with the question answer of it so everyone please take your textbook with you so easily you can see all the question in your textbook

asks list the questions that the little boy ask number 1 why do lead and marble sink why does sun shine why does wind blow आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने थे कि जो बॉय ने पोयम में पूछे हुए हो तो बॉय ने कौन-कौन से क्वेश्चन किए थे कि जो खिल्ली होती है मार्बल होते हैं वो पानी में डूब क्यों जाते हैं सन साइन क्यों होता है और हवा चलती क्यों है यानी हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी फील होता है ना तो उसने ये क्वेश्चन किए थे वाई डू अस वाई डू लीड एंड मार्बल स्निक वाई डज सन साइन एंड वाई डज वाइंड ब्लो थर्ड वन इज वॉट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन दी पोयम आपको बॉय को शॉर्ट फॉर्म में बताना हो कि बॉय किस तरह सा था तो पोयम में आपको क्या वर्ड दिया हुआ है क्रूरियस सी यू आर आई ओ यू एस शॉर्ट फॉर्म में क्या बताओगे आप बॉय को क्रूरियस मीन्स उत्सुक कुछ भी जानने के लिए जिसको बहुत ही कुछ जानने की इच्छा होती है वो देन राम इज अ क्रूरियस लिटल बॉय ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन वन डे ही केम होम एंड आस्क हिज ग्रांड फादर क्वेश्चन लाइक अब राम नाम का बॉय है उसको बहुत सारे क्वेश्चन करने की आदत थी एक दिन वो अपने ग्रैंडफादर के घर आता है और बहुत सारे क्वेश्चन करता है चलो हम देखते हैं उसने कौन कौन से क्वेश्चन किए हुए हैं वाई कांट वी टुक एट सन डूरिंग द सोलर स्क्प जब सूर्य ग्रहण होता है तब हम देख क्यों नहीं सकते तो वी कांट लुक एट दिस सन डरिंग द सोलर बिकॉज इट हाइट इट सेल्फ बिहाइंड मून क्योंकि तब क्या होता है सूरज कहाँ छुप जाता है सन मून के पीछे छुप जाता है सो वी कांट सी सेकेंड वन इज वाई कांट वी टच दी सन हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते आंसर इज सन इज फार अवे फ्रॉम अस देर फॉर वी कांट टच दी सन सन इज फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर फॉर वी कांट टच दी सन क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है इसीलिए हम उसको टच नहीं कर सकते और हम तो उसके पास भी नहीं जा सकते क्योंकि वॉट इज दन सन क्या है इट इज़ द फायर वॉल सन इज़ दी फायर तो हम फायर को टच कर सकते हैं नो no. तो फिर हम सन को भी टच नहीं कर सकते देन वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क आवर आइस कांट सी एनी थिंग इन दी डार्क हैंज वी कांट प्ले इन दी डार्क वॉट इज ही आर स्कींग ही इज आर स्कींग वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन दी डार्क हम डार्क में यानि जब अंधेरा होता है तब हम खेलने क्यों नहीं जा सकते सो आंसर इज आवर आइस कांट सी एनी थिंग इन दी डार्क यानि जब अंधेरा होता है तब हमारी आँख कुछ भी नहीं देख सकती आप देख सकते हो अंधेरे में कुछ भी हमें कुछ भी नहीं दिखता इसकी वजह से हम खेलने नहीं जा सकते क्वेश्चन नंबर फाइव फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द अंडरलाइन वर्ड्स इन देंटेंस सो आंसर इज वाई इज द स्काई सो हाई डू यू नो द कलर ऑफ स्नो हैव यू फाउंड वू मेड द साउंड पुट दी ग्लास इन दिंग आफ्टर यू फिनिश योर मिल्क देखो स्काई हाय नो स्नो फाउंड साउंड सिंक मिल्क तो ये क्या थे हमारे राइमिंग बर्ड एस के वाई स्काई एच आई जी एच हाय नो स्नो फाउंड साउंड एंड सिंक मिल्क Then, question क्वेश्चन नंबर is इज द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड आरजम्बल पुट द राइट एंड make सेंटेंस आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग दी हुई है आपको उसको किस में अरेंज करना है वर्ड में फिर उसका क्या करना है सेंटेंस बनाना है देखो हमें पहले क्या दिया हुआ है w o k n अब इसका वर्ड क्या बनेगा no. k n o w no and एंड sentence इज

third one is d a e l its word is lead l e a d lead its sentence is lead is a heavy substance fourth one is b l a r m e b l a r m e its word is marble m a r

तो देखो एक तो दोनों को मिल्क अच्छा लगता है उसके बाद और क्या होता है दोनों में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है एक दूसरे को कुछ करने के लिए आपने देखा होगा कैट और डॉग को सो so, हम क्या लिखेंगे बोथ कैट्स एंड डॉग्स लव मिल्क दे यूजली फाइट ओवर मिल्क ऑल्सो दे आर फियरफुल ऑफ इच अदर एंड केंड वन इज वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नोट रन वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन यानी हम रोड पे जो साइड में होते हैं वहाँ चलते हैं हम भागते क्यों नहीं है जब हम क्रॉस करते हैं तब तो हम वहाँ चल के जाते हैं आपको पता है वो वाइट और ब्लैक कलर की पट्टी की तरह होता है उसको हम क्या कहते हैं इट्स कॉल्ड ज़िब्रा क्रॉसिंग हम उसी से रोड क्रॉस करते हैं तो हम रोड क्रॉस करते टाइम चलते हैं भागते क्यों नहीं है सो आंसर इज वाइल क्रॉसिंग द रोड वी डू नॉट रन बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स इंस्टेट वी वॉक वाइल जजिंग द वहीकल्स ऑन द रोड एंड थर्स सेव्ड अवर सेल्फ एज वेल एज अधर्स हम भाग नहीं सकते क्योंकि अगर हम भागेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा और रोड क्रॉस करने के पहले हम क्या करते हैं व्हीकल्स देखते हैं लेफ़्ट और राइट हम देखते हैं कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है उसके बाद हम अपने आप को बचाते हुए रोड क्रॉस करते हैं सो आंसर इज वाइल क्रॉसिंग द रोड वी डू नॉट रन बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स इंस्टेड वॉक वी वॉक वाइल जजिंग द व्हीकल्स ऑन दी रोड एंड थर्स सेव अवर सेल्फ एज वेल एज अदर्स धैन थर्ड वन इज वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम आह वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम सो आंसर इज आइसक्रीम इज अ कोल्ड डेजर्ट इट हैज अ गुड टेस्ट हैंज पीपल लाइक आइसक्रीम एक तो बहुत ही अच्छा स्वीट है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं राइट डाउन एटलीस्ट टू क्वेश्चन वाई सो वाई इज द स्काई ब्लू वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस यू कैन ऑल्सो राइट वाई आर यू क्राइंग ओके देन अदर वन इज why is the cloud so far? why is the sun sign? why is the moon rotated? okay so you can write whatever you want So this is our question answer of the poem. I hope you understood it so you have to write this all question answer in your notebook and also in your Textbook. In next lecture, we will go with the story of our unit four. Okay, students. And one more thing, you have to subscribe our new channel, Best English School Naroda Online. This is for your online class. So everyone, please subscribe it. In next lecture, we will meet with other story. Stay home. Stay safe, be happy, and do your homework daily. And also learn this all question answer. Okay? Bye.